2008 जिस दिन 26/11/2008 जिस दिन 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर पे हमला किया था, उस वक्त मैं मंगेश नाईक जी, पाटिल, सोनी रात के 9:30 बजे तुरंत पुलिस व्हीकल लेके गिरगांव चौपाटी पे पहुंचे और करीब रात को 12:15 बजे हमारे कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया कि टेररिस्ट स्कोडा कार में है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर आ रहे हैं। थोड़ी देर में 12:30 बजे वो स्कोडा कार वहां पे पहुंची। हम जहां नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट दूर पर वो गाड़ी रुकी। वो गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, हमें अंदर इतने जने वो दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने उनको कहा कि आप गाड़ी के नीचे उतर जाइए, परंतु उन्होंने कुछ सुना नहीं और तेजी से वो कार वो हमारी ओर लेके आए और हम जहां नाकाबंदी कर रहे थे वहां पे उन्होंने ये देखा कि अभी यहां से हम तो भाग नहीं सकते, तो उन्होंने वो गाड़ी यू टर्न लेके भागने के कोशिश कर रहे थे, तो वो गाड़ी जाके रोड डिवाइडर पर जाके लगी और वहीं रुक गई। मेरे और उनके बीच में वो गाड़ी का बोनेट था, 4 फीट का उतना ही डिस्टेंस था। मैंने देखा कि वो जो अबू इस्माइल जो टेररिस्ट था वो कार ड्राइव कर रहा था और उसके बाजू के सीट पे कसाब बैठा हुआ था और जैसे ही मैं उनकी ओर बढ़ रहा था तो अबू इस्माइल जो टेररिस्ट था उसने फायरिंग की, तो मेरे ऑफिसर थे भास्कर कदम, उन्होंने पहली फायरिंग की अबू इस्माइल की ओर और वो गोली जाके उसके आंख पे लगी और उसके बावजूद उसने AK-47 निकाली, तो मैंने मेरे पिस्टल से उसके ऊपर 3 राउंड फायर कर दी और उसको वहीं पे जख्मी कर दिया था। ये हमारा रिटेलिएशन चल रहा था, उस वक्त कसाब जो बाजू के सीट पे बैठा हुआ था वो हैंडसअप के पोजीशन में बैठा हुआ था और मैं मंगेश दाईक से कहूंगा कि ये आगे की जो वारदात हुई कैसे उनको अंजाम दिया वो ये कहेंगे। सब ने हैंडसअप किया था और उन्होंने डायरेक्ट बाहर जो मुंह के साइड में वो बाहर गिर गया, उसने जंप किया और जंप करने के बाद उसके साथ ही AK-47 आ गया। तुकराम उमले महेश सोनी सेल के हम लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा तो उमले सबके सामने बैरल आया, तो उमले सामने उसका बैरल पकड़ने के बाद वो इतना चालाक था कसाब, उन्होंने एकदम पूरा ताकत से उसने हाथ झटकाया और डायरेक्ट स्टेयरिंग के ऊपर स्ट्रेगर दबाया, तो उमले सबके सामने बैरल था, उनको 6 राउंड फायर हुआ। नीचे गिरने के बाद वो वैसा ही कसाब फायरिंग करते करते उठ रहे, तो मैं सामने था, मैं नीचे झुक के उसको गिराया और धक्का देके गिराया और उसके हाथ में जो गन था वो हाथ घुमा के उसके हाथ में हम लोगों ने हाथ में जोर जोर से फटका मारा, फिर भी उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, इतना मजबूत पकड़ा था। गिरगांव चौपाटी में वो लोग हम लोग नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत लोग को मारते थे। क्योंकि उस गाड़ी में हमको बम मिले, हैंड ग्रेनेड मिले और उनके गाड़ी में दो AK-47 दो पिस्तौल ऐसे दारू गोला था, लेकिन उनको आगे रोका, इसके लिए आगे का प्रसंग टल गया। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कॉलेज में वो लेके भाग रहे थे वो कॉलेज हमारे हेमंत करकरे साहब, अशोक कामटे सर और साळसकर सर वो पुलिस में थे और गिरगांव चौपाटी पे हमारे साथ जो तुकाराम मोमड़े जी थे, अगर वो उन्होंने पूरा फायरिंग अपने पे नहीं लिया होता तो आज हम भी नहीं होते।